चतुर्भुज मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने नारनौल पहुंचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अस्पताल के उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और आगामी 9 तारीख को जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता भी दिया। मीडिया से रूबरू हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल नारनौल के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऐसे अस्पताल किसी क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही कहा कि 9 तारीख को झज्जर में होने वाली रैली में महेंद्रगढ़ जिले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए 15 जनवरी से निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का नियम लागू करने जा रहा है। प्रदेश के कौशल युक्त युवाओं को कहीं भी नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पंचायती चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कोई फैसला ले लिया जाएगा। KNN मीडिया के लिए नारनौल से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। पानीपत वालों में दो नाम आएगा उनके ऊपर कल मीटिंग लूंगा, एक फाइनल कराऊंगा। मना कर डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर चैरिटेबल हॉस्पिटल जो आज शुरू किया है। परमात्मा इनको उन्नति तरक्की दे और साथ में इस हॉस्पिटल के माध्यम से सामाजिक सेवाओं में इनका योगदान भरपूर तौर पर बढ़ाने का भी काम करें कि लोगों की सेवा भी कर पाए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो नारनौल में सुविधाएं नहीं थी उनको भी नारनौल के लोगों तक पहुंचा पाए। और जिस तरीके से इनने आज यहाँ पर 11 वेंटिलेटर्स का एक ICU तैयार किया है, मैं मानता हूँ ये एडिशनल हेल्प होगी। अगर हम आने वाले समय में इस ऑरिकॉम की वजह से एक कोविड की वेव को फोर्सी करते हैं तो हमारे इलाके में एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा उस महामारी से भी बचाने के लिए लोगों को। आगामी 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झज्जर के अंदर रैली होने जा रही है। हमारे संगठन निर्माण और पूर्ण द्वारा 3 साल के उपलक्ष्य में संविधान के अनुसार जो हमारा नया संगठन बना है उसकी आज पहली औपचारिक बैठक भी है और कार्यकर्ताओं को इसी का निमंत्रण देने यहाँ हम आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महेंद्रगढ़ जिले के कार्यकर्ता भी झज्जर पहुँचे और उस रैली के अंदर अपनी ऐतिहासिक प्रेजेंस दिखाने का काम।